दोन हजार तेवीस मध्ये स्वागत करूया आता खरं वाटतंय की हे मैत्री चषक आहे सर्व पक्षीय नेते या व्यासपीठावर आपल्याला पाहायला मिळतात राजकीय मतभेद विसरून खरं तर मैत्री चषकाला प्रत्येक राजकीय पक्षातील पुढाऱ्यांनी इथं भेट दिली आणि खऱ्या अर्थानं मैत्री ही केवळ निस्वार्थी असते याचं प्रत्यक्ष उदाहरण या राजकीय नेत्यांनी ने ने या मैत्री चषक दोन हजार तेवीसच्या माध्यमातून दाखवून दिलंय भारतीय जनता पार्टी रायगढ़ जिला अध्यक्ष उपाध्यक्ष उपस्थित है उपाध्यक्ष अध्यक्ष उन्नीस सौ अस्सी के दशक में कहा था भूतपूर्व प्रधानमंत्री भारत अटल बिहारी वाजपेयी ने दो सांसद होने के बावजूद भी उन्होंने कहा था समंदर में भी कमल खिलेगा और आज पूरे भारत में आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी साहब के नेतृत्व में कबल खिलता हुआ नजर आ रहा है लेकिन फिलहाल जीत का कबल खुशी का कबल किसके चेहरे पर खुलेगा देखिए दोस्ताना माहौल यहाँ पर बन चुका है धैर्यशील दादा कह रहे हैं अपने साथियों से कि आओ हमारे साथ हम करेंगे सबका साथ सबका विकास तो ये दौड़गे आई पहली गेंद डॉट गेंद आई सुमित पत्रे को अपने काम की लड़ाई लड़नी होगी की तरफ से यकीनन लड़नी होगी क्योंकि जानते हैं हवेली ने किया को हवेली ने नाबूद किया पुणे हवेली ने अलीबाग का वाइज साहब को हवेली ने किया संजय सोलंकी की धाकती भंडारी को लेकिन दो ओवर का मैच है कहीं भी पासा पलट सकता है कहीं भी पासा पलट सकता है सुमित पत्रे लगातार दो डॉट गेंदे डाल चुके हैं बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी का सुमित पत्रे जानते हैं अगर मैंने गलती की तो मेरा पूरा गांव हारेगा पूरा गांव मेरी तरफ देख रहा है 24 लाइव इवेंट के जरिए पूरा गांव मुझे देख रहा है ये टूर्नामेंट भले ही नाने गाँव में हो रही है पैन तहसील में हो रही है लेकिन मेरे थे के साथ पूरा अलीबाग मुझे देख रहा है लगातार दो डॉट गेंदे की है एक अलग स्पिरिट के साथ गेंदबाजी हो रही है गेंदबाज सुमित पत्रे की राइट ओवर द विकेट. तीसरी गेंद कवर्स में खेला है एक रन जरूर मिलेगा तीन गेंदों में एक रन अब तक अच्छी शुरुआत है गेंदबाज सुमित इस ओवर में क्या तहसील के ग्यारह खिलाड़ियों ने अलीबाग के जो नहीं किया थर्ड के ग्यारह खिलाड़ी वो करके दिखाएंगे बड़ा सवाल है ये क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है मैंने सुबह कहा था काश आपको सपने दिखाती है लेकिन कोशिश आपके वो सपने पूरे करती है दिया, दिया, दिया। काश और कोशिश में यही तो फासला है का वर्ल्ड कप जब जीता भारत ने, तो कपिल देव ने ड्रेसिंग रूम में जा कर कहा कि भले ही लोग ये कहे कि हमने उनसे बेहतर गेंदबाजी नहीं की भले ही लोग हमें ये कहे कि हमने उनसे बेहतर बल्लेबाजी नहीं की लेकिन हमें लोगों को ये कहने का मौका नहीं देना है कि हमने उनसे बेहतर कोशिश नहीं की कोशिश करेंगे तो जरूर सफलता हासिल होगी सुमित पत्रे तीन गेंदों में एक रन क्या ओवर डाला है अब तक पहला ओवर इस मैच का, मैच का सेमीफाइनल यहां तक आए हो तो चैंपियन बनने के लिए मैच जीतना जरूरी है फाइनल में हारने का दुख जितना नहीं होता ना उतना सेमीफाइनल में हारने का होता है राइट ऑम ओवर इस ओवर की चौथी गेंद के, क्या गेंदबाजी हो रही है ये अलीबाग की तरफ से कहा थे सुमित पत्रे गेंदबाजी उन्होंने जरूर की लेकिन यह गेंदे देखने का मौका नहीं मिला यह रफ्तार ये, ये गांव के लिए उन्होंने खुद को सुरक्षित रखा था फिटनेस ये जो एनर्जी है अपने गांव थर्ड के लिए उन्होंने सुरक्षित रखी थी सुमित पत्रे वन मैन आर्मी चार गेंदों में महज एक रन मैत्री ग्रुप क्या नहीं किया मैत्री ग्रुप ने ब्लड डोनेट किया कोविड में आदिवासियों की मदद की उसी तरह सुमित पर मदद कर रहे अपनी थर्ड टीम को अपनी अच्छी गेंदबाजी के बदौलत क्योंकि टूर्नामेंट है मैत्री ग्रुप 2023 मैत्री ग्रुप ट्रॉफी 2023 दो एक दोस्त दूसरे के लिए हमेशा अपने सुख दर्द यानी कि सुख और दुख को बांटते हैं वे हमें जरूर देखते हैं हम एक आ, दूसरे दोस्त को उसी तरह सुमित पत्रे अपनी थर्ड टीम को वो सुनहरा क्रिकेट का सपना दिखा रहे अपनी अच्छी गेंदबाजी के कारण जो किसी ने नहीं, नहीं किया वो हम कर सकते हैं सुमित पत्रे इस ओवर की आखिरी गेंद अब तक दो रन जा, दिए जा चुके हैं उनके द्वारा आखिरी गेंद अगर अच्छी चलेगी लेकिन आखिरी गेंद पे मार खाया सीधा डाला स्टम्प के ऊपर और यह छक्का लगाया बल्लेबाज राजेश पवार ने स्पर्धेला शुभेच्छा ताईत या मैत्री ग्रुपवर ज्यांचं नितांत प्रेम आहे ते गजाबाई मोरे आणि तरुणांचे प्रेरणास्थान गजाबाई मोरे यांचं स्वागत या मंचकावर होत आहे त्यांना मानपूर्वक सर्व मैत्री ग्रुपचे शिलेदार या मंचकावर घेऊन येत असतात निश्चित तौर मैत्री ग्रुप दो हजार तेईस हर तरह के राजनैतिक दल के नेता मैंने सुबह से यहाँ पर देखे मंच पर भी बैठे हुए और युवाओं का प्रेरणा स्थान गजनन भाई मोरे यहां पर तशरीफ लेकर आ चुके हैं मयूर शेठ वनडे उनके साथ है उनका भी हम जरूर स्वागत करेंगे सुमित पत्री ने तो अपना काम किया महज आठ रन दिया पहले ओवर में अब देखना यह होगा नए गेंदबाज पवन कोंडा जी ताना जी ने कोंडाना लिया था पवन कोंडा जी क्या हवेली को लेंगे लेकिन कवर्स में खेला एक ही रन मिलेगा आठ और एक बने नौ अच्छी गेंद डाली था पवन गोंडा जी ने अच्छी गेंद डाली लेकिन राजेश पवार जिनमें क्षमता है बडे हिट्स लगाने की पूरे हवेली से खेमे से उन्हें सूचना आ चुकी है कम से कम दो छक्के इस ओवर में आना जरूरी इरादा करो पक्का गेंदबाज को दो धक्का ऐसा लगाओ छक्का की गेंदबाजा बक्का सेमीफाइनल का यह मैच बहुत मजेदार मैत्री ग्रुप ट्रॉफी 2023 सेमीफाइनल ऑन साइड के ऊपर इस गेंद को खेला एक रन जरूर मिली सुबह जब मैंने बात की रन कर सर से तो उन्होंने कहा अलीबाग की दो टीमें ऐसी है जो ग्रामीण हाफ से ऊपर पहुंची है टॉप थ्री में वो वाइज टीम को भी चकमा दे सकती है सुबह जो उन्होंने कहा था अभी मैं थर्ड का जो परफॉर्मेंस देख रहा हूं उससे मुझे उनकी बात के ऊपर धीरे धीरे भरोसा आने लगा है धीरे धीरे क्योंकि मैच अभी पूरा नहीं हुआ शो मस्ट गो ऑन अच्छी राइट अप तो गेंद राइट बॉल क्या कोंडा जी गेंदबाजी कर रहे हैं आदि राय जो पर्यत तो ग नहीं तो पर्यत बाजी हाखिड लड़वत ये बाजी मुझे नजर आ रहे हैं इस थर्ड के जो आखिरी ओवर में आखिरी क्षणों में पवन कौंडाजी बाजी बंद रहे अपनी टीम थर्ड के लिए टीम का टोटल दस रन ग्यारह रन आ चुके हैं मैं भी चाहूंगा ग्यारह रन आ चुके हैं और ये डॉट गेन, रन आउट का विकेट भी मिला डॉट गेंद भी मिली टोटल वहीं पर रुका हुआ ग्यारह रन अब तक गेंदे समाप्त हो चुकी है चार तू ठप डीजे गोइंग ऑन लास्ट डिलीवरी कितने नंबर आएंगे छ आते तो बनेंगे उन्नीस चार आते तो बनेंगे तीन आते तो बनेंगे सोलह एक आता है तो बनेगा और एक तो जरूर मिलेगा एक तो जरूर मिलेगा अब देखना ये होगा थ्रो कहां पे होती है क्या ये होगा रन आउट थर्ड अंपायर की मांग की जा रही है बिलाल एक रन तो दौड़ा जा चुका है अगर दो रन पूरे होते तो पंद्रह टारगेट होगा सोलह एक रन अगर पूरा होता है तो रन बनेंगे चौदह टारगेट होगा पंद्रह ये आउट है तो रन बनेंगे चौदह ये जीत के लिए थर्ड टीम को जरूरत है पंद्रह रन एक गांव के ग्यारह लड़कों ने पुणे से हवेली से आए हुए खिलाड़ियों को कड़ी टक्कर दी है और यही तो सपना है मंकेश भाई दड़वी का पेड़ पूर्व विभाग से कई खिलाड़ी ऐसे ही उभर कर आए सुबह हमने देखा पेड़ पूर्व विभाग लेकिन व्यावसायिक स्तर पर काफी पीछे नजर आया हमें खेल के मामले में टूर्नामेंट के मामले में नहीं है टूर्नामेंट वेल ऑर्गेनाइज है साढ़े सात के औसत से पंद्रह रन बनाने हैं लेकिन पूरे हवेली के पास भी काफी अच्छी गेंदबाजी है सेमीफाइनल चैंपियन बनने के दरवाजे खुले होंगे जो टीम मैच जीतेगी उनके हसी के साथ दो दो हाथ करने का मौका मिलेगा शिवरे के साथ उन्हें दो दो हाथ करने का मौका मिलेगा आदिल और नागेश आदिल और दस नंबर की जर्सी पहने हुआ नागेश नागेश के नाम में ही नाग है इन्हें डसने का मौका है एस एस स्पोर्ट्स बड़ा नाम है पेड़ में क्रिकेट की जगत में एस एस स्पोर्ट्स का सौरभ स्पोर्ट्स के प्रोपराइटर जरूर जिन्होंने काफी बड़ा योगदान दिया इस मैत्री ट्रॉफी 2023 के लिए लेकिन डॉन कोशिश कर रहे हैं इतनी मेहनत हर प्लेयर ऑफ द मैच के लिए उन, उनके द्वारा एस एस स्पोर्ट्स की तरफ से टी शर्ट प्रदान की जा चुकी है डॉन कह रहे भाई कई शहरों को हमने रायगढ़ के चकमा दिया है लेकिन रायगढ़ के गांव की गली में हमें पकड़ा न जाए ये सोच है कप्तान डॉन की पंद्रह रन महज बनाने हैं बिल्कुल सही कहा रेणुका है डॉन का इंतजार तो ग्यारह मुल्कों की पुलिस कर रही है लेकिन डॉन कहा है नाने गांव के मैदान पर क्रिकेट खेल रहा है लॉन्ड के ऊपर फील्डिंग कर रहे हैं डॉन लेकिन जब चैंपियन की रेस अब शुरू हो चुकी है तो नंबर एक और नंबर दो और नंबर तीन की ट्रॉफी गागोते बुद्रुक के सामाजिक कार्यकर्ता उमेश दादा पवार इन्होंने हमें प्रदान की है दागने की कोशिश लेकिन डायरेक्टेड होती तो बनता बनता बहुत कुछ 22 के तौर पर रन आया थर्ड वाले जाएंगे रन किस प्रकार से भी आए रन आना जरूरी पूरे लेग 22 रन भी पंद्रह आए तो भी उन्हें चलेगा अरे एक लेग 22 पे डबल भी आ सकता है चार भी आ सकते हैं ऐसा थोड़ी है कि पंद्रह लेग 22 के लिए पंद्रह गेंदों का होना जरूरी है क्या यार हम लोगों ने बहुतों को चकमा दिया आप हमें चकमा देने की कोशिश कर रहे हैं बहुत ही बढ़िया गेंद बहुत ही बढ़िया गेंदबाज सनी कस्बे ये कसे हुए गेंदबाज है कसावट भरी गेंदबाजी करना इनकी आदत है लेकिन अभी मैच देखिए मैच बैलेंस है क्योंकि इन्होंने संजय सोलंकी को चकमा दिया इन्होंने पंकज जाधव को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया अगर नो बॉल नहीं गिरती तो शायद ओवर तो भी अच्छा जाता पंकज जाधव के सामने इनके खिलाफ ये तकनीक कोई भी बल्लेबाज इस्तेमाल करेगा तो वह सफल साबित नहीं होगा क्योंकि इनकी लाइन जो है वो काफी अच्छी है बल्लेबाज़ लगता तो जरूर है कि मैं क्रॉस बॉडेड शॉट खेलूंगा लेकिन ऐसा वो होने नहीं देते ऐसा वो होने नहीं देते पंद्रह रनों की दूरी तय करनी है एक रन उनमें से आ चुका है गेंदे मैच हो चुकी है तीन सनी कस्बे ने दो डॉट गेंदे डाली है स्ट्राइकर एट पर आदिल और यह ऊंचा खेला आदिल ने लंबा छे आदिल ने दिखाई अपनी ताकत और एक बना सात चार, चार गेंदे इस ओवर की समाप्त हो चुकी है साढ़े सात की औसत से, से, से पंद्रह रन बनाने हैं है, 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 है। एक छक्के ने इस मैच को खोला सात रन आ चुके हैं आठ रनों की अभी भी जरूरत गेंदे बची है आठ रन बॉल यह मैच आ चुका है थर्ड क्या इतिहास लिखेगी इतिहास के पन्नों पर के क्रिकेट के इतिहास के पन्नों पर मैत्री ट्रॉफी के इतिहास के पन्नों पर क्या नाम होगा थर्ड टीम का शॉर्ट थर्ड मैन के ऊपर फील्ड किया जो बाहरी किनारा लगा था एक रन जरूर मिला सात गेंदे सात रनों की जरूरत स्ट्राइकर पर नागेश नागेश सात गेंदे सात रन पहला सेमीफाइनल हशिम इंतजार कर रही है कि अपने ही तहसील की टीम के साथ उन्हें दो दो हाथ करने का मौका मिलेगा या फिर पुणे की हवेली से एक विशेष सम्मान किया जाएगा यहां पर नेशनल बेंच प्रेस में जिन्होंने सिल्वर मेडल जिन्होंने हासिल किया है तन्मय मोहन पाटिल सर जरा आप रुकिए तन्मय मोहन पाटिल इनका सम्मान किया जाने वाला है पेड़ के आन मान और शान पेड़ तालुका कुस्तीगीर संघाचे सम्माननीय अध्यक्ष हरिश्चंद्र जी शिंदे समवेत आमचे मोहन जी पाटिल माजी सरपंच बेलवडे बेल त्याचप्रमाणे ज्यांचा सन्मान आणि सत्कार या ठिकाणी होणार आहे आमचे तन्मय पाटिल बेंच प्रेस मध्ये सिल्वर मेडल मिडल इस्ट यथोचित स्वागत आणि सन्मान या ठिकाणी होतोय आणि त्यांच्या समवेत आमचे मयूर शेठ वणगे कामारली यांचं शुभ आगमन या मंचकावर होतोय आणि आमचे सर्व मैत्री ग्रुपचे शिलेदार निश्चित पर मैत्री ग्रुप देखिए कई गाव के सरपंच कई गाव के उपसरपंच कई गाव के सामाजिक कार्यकर्ता या भारतीय जनता पार्टी के हो शिवसेना के हो या अलग कांग्रेस पार्टी के हो या राष्ट्रवादी एनसीपी कांग्रेस पार्टी के हो सभी पार्टी सभी राजनीतिक दलों के नेता इस मैत्री ट्रॉफी में हमें नजर आए और यही विशेषता है कुश्ती कुश्ती एक महाराष्ट्र मिट्टी का खेल उनके भी पदाधिकारी यहां पर आ चुके हैं उनका भी हम जरूर स्वागत करेंगे आखिरी छह गेंदे छे रन नाने गांव के इतिहास के पन्नों पर एक गांव की ग्यारह टीम क्या तहसील के ग्यारह खिलाड़ियों को हराएगी क्या इतिहास में थर्ड टीम अपना नाम लिखेगी नाने गांव के क्रिकेट के इतिहास के पन्ने में मैत्री ट्रॉफी का ये पांचवा साल और ये पल्लू स्कूप खेला फाइनल बाउंड्री के बाहर चार रन बाज गेंदे अब दो रनों की जरूरत काफी बढ़िया खेला नागेश ने और इसीलिए मैंने कहा एन मौके पर इन्होंने गेंदबाज को डस लिया चार गेंदे पांच गेंदे अब दो रनों की जरूरत पांच गेंदे और दो रनों की जरूरत क्या खूबसूरत शॉट खेला जबरदस्त नागेश ने दिखाया मौका आने पर मैं भी कुछ कर सकता मुझ में भी दम है पांच गेंदे दो रन, अब हिरणकर साहब की बातें मुझे नब्बे प्रतिशत सही लग रही है सुबह जो आपने कही थी दस परसेंट रन आने के बाद हाँ दोनों हिरनकर हैं लेकिन सुबह मैंने अमोल कर सर से बात की थी ये बात भी बताना जरूरी यह क्या जरूरत है अगर घी सीधी उंगली से निकल रहा है राजनीति में हमारे धर्यशी दादा पाटिल जानते हैं अगर सीधे विचार से अगर वोट मिल रहा है तो आड़े तेड़े विचार क्यों सीधी उंगली से अगर घी निकल आ रहा है तो उंगली टेढ़ी क्यों करनी चार गेंदे धोरन चार गेंदे दो रन रिचिर मात्र भी मजा ले रहे हैं सेमीफाइनल मैच का टेक्नीशियन आज के सीईओ है वो हाँ ये खेल होना चाहिए एक रन जरूर मिला और इसी के साथ थर्ड टीम ने इतिहास लिखा गांव के इस मैत्री ट्रॉफी के पांच साल के इतिहास में एक गांव के ग्यारह खिलाड़ियों ने जो कारनामा संजय सोलंकी नहीं कर पाए जो कारनामा ना कर सके पंकज यादव उस कारनामे को किया सुमित पत्र एंड कंपनी